सो गाइज आज हम देखने वाले हैं दो ट्रेलर्स। पहला होगा थैंक गॉड का जो कि आज ही आया, सेकेंड होगा राम सेतु का जो कि दो चार दिन पहले आ चुका है। हम थोड़ा लेट हो गए उसके लिए, सॉरी। हमने सोचा दोनों साथ में ही कर देते हैं, वैसे दोनों मूवीज़ भी साथ में ही रिलीज़ हो रही है तो ट्रेलर भी साथ में देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और हम देंगे एंड में आपको रिव्यू कि हमें कौन सा ट्रेलर ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहा है, कौन सी मूवी ऐसी लग रही है जो हमें पहले थिएटर में जाके देखना चाहिए। पहले हम देखते हैं थैंक गॉड का ट्रेलर जो कि आज ही आया। हियर वी गो। इस बार ओरिजिनल लुक में आ गए चित्रगुप्त। वत्स अहम सीजीए अस्मि त्वच स्वर्गे अस्मि। अरे ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं आप लोग? संस्कृत। पर मुझे संस्कृत नहीं आती है। देखा, इसलिए हम लोग ऐसे रहते हैं। ओ, ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। ये हो क्या रहा है भाई? इन्होंने वो चीज का आंसर किया जिसपे इसका इस मूवी का शायद विरोध हो रहा था कि जो भगवान चित्रगुप्त का कैरेक्टर उन्होंने ऐसे मॉडर्न कपड़ों में दिखाया तो इसमें ये आंसर किया इन्होंने कि हम इसलिए आजकल के नौजवान जो धर्म को भूलते जा रहे हैं शायद इसलिए तुम लोगों के लिए ऐसे रह रहे हैं हम। बिल्कुल उसका आंसर किया है। मतलब इन्होंने क्या बाद में शूट किया है, पहले से शूट था ये? ऐसा लग रहा है बाद में शूट करके डाल दिया। किस चीज का काफी विरोध हो रहा था मुझे लगता है इस सीन बाद में शूट करके इन्होंने ऐड किया। देखते हैं, चलो आगे देखते हैं। कौन हो तुम लोग? मैं सीजी। चित्रगुप्त सीजी और इन कपड़ों में? अरे यार इन कपड़ों में। इसे Amazon प्राइम के जमाने में हम तुम्हारे साथ एक गेम खेलेंगे। कमाल है, ऊपर भी गेम शो शुरू हो गए। पहले ऊपर ही शुरू हुए थे, वो आपके वो सुपरस्टार है ना लंबे से अमिताभ बच्चन, गेम खेला जीते वापस चले गए। लेकिन हमारा आइडिया चुरा गया, नीचे जाके अपना गेम शो शुरू कर दिया। क्या नाम है उसका? केएमसी सर। केएमसी केबीसी केएमसी बोल रहा हूं। सर पेशेंट को काटना नहीं सिलना है। सिलना? मेरे तो खुद की फटी पड़ी है, मैं कहां से सिलूं? ये बंदे की कॉमिक टाइमिंग अच्छी है। दूसरी यहां पर सिर्फ एक गलंदाज रोज काटने का सर, आप प्लीज को रोको। ये तुम्हारे ही कर्म है जो तुम्हें यहां तक ले आया। पाप का घड़ा 98%। पाप का घड़ा 98%। लाइव चलो तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए एक जोक सुनाता हूँ। शोभा सिर्फ लड़कों अरे को एक बार हंस तो दिया, एक ही जोक पे कितनी बार हंसूंगा? जब एक जोक पे बार बार हंस नहीं सकते तो एक गम पे बार बार रोते क्यों हो मेरे दोस्त? नाइस डायलॉग। लास्ट वाला सही था कि भाई जब एक जोक पे बार बार हंस नहीं सकते तो एक ही तरह के दुख पे बार बार रोते क्यों हो? जबरदस्त लगा मुझे। अच्छा था वैसे ट्रेलर, ट्रेलर काफी अच्छा था और कॉमेडी अच्छी लगी मुझे। सिद्धार्थ को बेसिकली ऐसा बंदा बनाया जिसने बहुत ज्यादा पाप कर रखे हैं, उसका पाप का घड़ा कुछ ज्यादा ही भरा हुआ दिखा है। लेकिन इसमें एक सीन में बोला अमिताभ बच्चन सर के बारे में उन्होंने कि वो भी एक बार ऐसे बीच में अटक गए थे, तो वो कोई इंसिडेंट के बारे में ऐसा हुआ है क्या जो मुझे याद नहीं हो, जो उनके साथ हुआ हो जिसमें वो ऐसा कुछ कोमा में चले गए? मेरे ख्याल से कोमा में तो नहीं गए थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आया था कि वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे तो शायद उस हिसाब से उन्होंने बोला होगा। बीच में अटक गए थे फिर हमने उनके साथ ये गेम खेला और वो वापस आ गए। मुझे लग रहा है ये मूवी कुछ अच्छा ही सिखा के जाएगी हम लोगों को। देखते हैं भाई। मतलब जो आज की जनरेशन है जो देखा जाए तो आजकल रिलीजियस के इतना करीब नहीं होती है तो उनको मॉडर्न वे में समझाने की शायद कोशिश की है इसमें, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे कॉन्सेप्ट। स्टार्टिंग में उन्होंने दिखा दिया, पहले वो पूरे पूरे भगवान के गेटअप में आए थे, उसके बाद उन्होंने उनको समझ में नहीं आया। सिद्धार्थ मल्होत्रा वो संस्कृत में बात भी कर रहे थे, फिर वो वापस से बिल्कुल मॉडर्न लुक में आ गए तो उन्होंने उसमें आंसर भी था कि आजकल की जनरेशन के लिए हमें ऐसे लुक में आना पड़ता है। अब देखते हैं राम सेतु का ट्रेलर, फिर दोनों के बारे में बात करेंगे। अभी दैट शिप इज सीजीआई आई थिंक प्राइम वीडियो। ये देश राम के भरोसे चलता है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राम सेतु को तोड़ने की इजाजत मांगी। सरकार ने इस भरोसे को चुनौती कैसे दोगे? मेरे ख्याल में एक आदमी है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा फॉर एन आर्कियोलॉजिकल एक्सपेडिशन टू राम सेतु। मेरा काम है इतिहास की परत को खोलना। इतिहास का मतलब समझते हो? इट डस हैपन। इट डस हैपन। भाई
साल पुरानी सड़क भी गड्ढे में खो जाती है, वहाँ 7,000 साल पुराना इतिहास आसानी से कैसे मिलेगा? मिलेगा भाई, क्योंकि एपी नोस राम से तो लाइक बैग ऑफ पैन। उन्होंने हमें मरने के लिए इस मिशन पे भेजा है, लेकिन सच प्रवेश राणा है ना, कोई नहीं रोक सकता। ये बीजीएम मुझे बहुत तगड़ा लगता है। दुनिया में श्री राम के लाखों मंदिर हैं, पर सेतु सिर्फ एक। राम सेतु तो निकल लाएंगे। ये जो पत्थर का टुकड़ा है जो पानी पर तैरता है, हाँ भाई, मतलब चलो ये तो क्लियर हो गया। जो इन्होंने पोस्टर निकाला था जिसमें ये लिखा हुआ था हिस्ट्री और माइथोलॉजी ऐसा कुछ लिखा था, तो वो उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये कोई वो नहीं है, ये हिस्ट्री है, ये कोई लिखा हुआ नहीं, ये हिस्ट्री है, हुआ है ऐसा। वो चीज़ इन्होंने इस मूवी में क्लियर करी है कि वो उस चीज़ को ही बचाने के लिए, मतलब सरकार का कुछ बता रहे हैं कि सरकार ने राम सेतु को डिस्ट्रॉय करने की शायद कोशिश की थी। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने उसकी परमिशन मांगी थी और अक्षय कुमार उसको ढूंढेंगे, उसको प्रूफ करते कि वो रियलिटी है, मिथ नहीं है। हाँ, मिथ नहीं है। तो वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा यार, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जानने में बहुत मज़ा आता है, मज़ा आता है। और हाँ भाई, ये मूवी कुछ करने वाली है भाई, मुझे लग रहा है अक्षय कुमार की जो नैया डूबी हुई है ना करियर की, जो भी उनकी चार लास्ट मूवी फ्लॉप हुई है, अब ये ऊपर लेके जाएगी, मुझे लगता है इनको ब्लॉकबस्टर, ये इनका कमबैक करा देगी मुझे लगता है। बिल्कुल, क्योंकि मूवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है यार, क्योंकि जिस हिसाब से बताया कि सरकार ने परमिशन मांगी कोर्ट से राम सेतु को डिस्ट्रॉय करने की, वहीं फिर अक्षय कुमार आएंगे, उसको ढूंढेंगे, साबित करेंगे कि भाई राम सेतु है, हिस्ट्री वाकई में रियल है, साबित करेंगे। और फिर जिस तरह से वो साबित करेंगे उसके लिए उसमें कुछ एडवेंचर्स बताएं, वो जाएंगे कहीं जंगल में जाएंगे, समुद्र में जाएंगे, ढूंढेंगे, तो वो सब चीज़ें देखने में मज़ा आएगा। इस दौरान क्या क्या मुश्किलें आएगी उनके बीच, वो सब देखने में मज़ा आएगा। तो भाई अगर दोनों ही ट्रेलर की मैं बात करूँ, तो मुझे ये लगता है कि जो थैंक गॉड का ट्रेलर है वो एक लाइट कॉमेडी टाइप की मूवी है, जो आपको कुछ ना कुछ सिखाई देगी। तो अगर बच्चों के साथ जा रहे हो, मुझे लगता है बच्चे, छोटे बच्चे, तो उनके साथ जा रहे हो, तो वो मूवी थैंक गॉड अच्छी चॉइस है। और जो सेकंड मूवी है राम सेतु, अगर आप अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो या पेरेंट्स के साथ जा रहे हो, तो राम सेतु देखना बनती है भाई। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही मूवी कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगी उसके अंदर भी, क्योंकि भगवान का एक उसमें बताया है और इसमें भी राम सेतु के बारे में बताया, तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री जानने में पता चलेगा हिस्ट्री क्या होती है। और वहाँ पे भी जिस हिसाब से उन्होंने एंड में डायलॉग दिया है कि जब आप एक जोक पे बार बार हंस नहीं सकते और दुख पे बार बार रोते क्यों हो, तो वो भी कुछ ना कुछ अच्छा ही सिखा के जाएगी। सो आप बताओ कमेंट करके आप कौन सी मूवी देखने जाने वाले हो। हाँ बताना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।